नमस्कार दोस्तों, एक तरह रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ टी टाइम स्नैक्स। तो आप इसे छोटी मोटी भूख में बना सकते हैं, कहीं सफर पे जा रहे हो तब आप इसे बनाकर ले जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और फ्रेंड आप इसे एक बार बना लें और महीने भर तक आप इसे खा सकते हैं। चलिए तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं टी टाइम स्नैक्स, जिसके लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे। उसके ऊपर रखेंगे हम एक छन्नी, छन्नी के अंदर डाल देंगे हम 2 कप मैदा और मैदे को हमें अच्छे से छान लेना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच अजवैन। तो अजवैन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है स्नैक्स में, आप जरूर ट्राई करें। तो देखिए, अजवैन को हम हाथ से क्रश करके डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर कलौंजी डाल देंगे 1/4 टीस्पून। चार चम्मच हम इसके अंदर बारीक वाली सूजी डाल देंगे। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे और 4 चम्मच ही हम इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। या मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, या यहाँ पे आप वनस्पति घी का या फिर देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। तो स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और ये मैदा जो है अच्छे से बंधना चाहिए। जितना अच्छे से बंधेगा उतनी ही आपके स्नैक्स जो है बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। तो मैदे को हम बांध के देख लेंगे हाथों से, अगर अच्छे से बंध रहा होगा तो हमारा मोइन जो है एकदम सही है। अगर नहीं बंध रहा है तो 2-3 चम्मच ऑयल या घी, जो भी आप स्नैक्स बनाने में यूज कर रहे हैं, तो वो आप थोड़ा सा और डाल लें। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका डो बनाएंगे। तो ध्यान रहे फ्रेंड, आप ना एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि डो जो है हमारा पतला ना हो। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं डो तैयार हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे ताकि सूजी जो है फूल जाए। 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5-7 मिनट बाद हम इसे वापस से चेक करेंगे और इसके अंदर से फिर हम लोइये तोड़ लेंगे। तो लोइये हमें मीडियम साइज की तोड़नी है, ना तो ज्यादा बड़ी तोड़नी है और ना ही ज्यादा छोटी। तो 4 लोइये बनाई है मैंने और बाकी की लोइयों को हम ढक देंगे और एक चकले पे थोड़ा सा सूखा मैदा भी लगा लेंगे और इसे चकले जितना ही बेल लेंगे। आप कोई भी शीट पे भी बेल सकते हैं, या अगर आपके पास इतना बड़ा चकला नहीं है तो आप थाली पे भी इसे बेल सकते हैं। अब हम पतली पतली सी इसके अंदर से स्ट्रिप काट लेंगे, ज्यादा मोटी नहीं काटनी है, पतली पतली सी। देखिए इस तरह से हमें पतली पतली स्ट्रिप जो है इसमें से काट लेनी है। तो अगर आप इतनी बड़ी इसे रखना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, पर मैं इसे बीच में से कट कर लूंगी। तो ज्यादा बड़ी क्या है, मेरे पास कढ़ाई नहीं है जो इतनी बड़ी स्ट्रिप जो है ये फ्राई हो जाए। तो इसके से हम बीच में से इसे 2 हिस्से कर लेंगे इस तरह से। तो लंबी लंबी सी हमें स्ट्रिप मिल जाएगी। तो देखिए अब स्ट्रिपों को हम एक प्लेट में रख लेंगे, देखिए इस तरह से। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड, आप इसे शाम की चाय में, सुबह की चाय में, बच्चों के लिए बना सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे तो खा सकते हैं। छुट्टियां चल रही हैं तो सभी के घरों में मेहमान आए होते हैं, तो सुबह की चाय के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने बना लिया, एक और आपको बना के बताती हूँ। तो सुबह की चाय में आप इसे खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। छुट्टियां हुई हैं तो सभी के घर में मेहमान वगैरह आए होंगे, बच्चे वगैरह आए होंगे, तो फ्रेंड बच्चों को तो सुबह सुबह चाय के साथ, दूध के साथ कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप ये बना लीजिए एक बार और महीना भर तक आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं तो वो उसका भी कमेंट मुझे करके बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पास में घंटी का बटन है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और घंटी को ऑल पे कर दे। तो देखिए मैंने बाकी सभी स्ट्रिप भी काट ली है और इसे भी हम एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। तो सारी स्ट्रिपे हमें इसी तरह बनाकर तैयार कर लेनी है। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है फ्रेंड, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफी पसंद आएगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सभी स्टिप हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड मैंने सभी स्टिप बनाकर तैयार कर लिए, अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करना रख दिया था, तेल हमारा मीडियम सा गरम हो गया है और अब हम इसके अंदर एक एक स्टिप डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इन्हें फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो ये डालती जल जाएगी और फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए जितनी कढ़ाई में आए उतनी ही डालें, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये फ्राई नहीं हो पाएंगी। तो बस इसे उलट पलट करते हुए हमें हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है क्योंकि फ्रेंड ये गर्म रहती है ना, तो भी थोड़ा सा इनके अंदर हीट रहता है तो उससे भी इनका कलर जो है थोड़ा डार्क हो जाता है। तो हमें इसे हल्का ब्राउन कलर करना है, तो बस उलट पलट करते हुए हम इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इन पे बहुत ही हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और अब हम इनको निकाल लेंगे क्योंकि फ्रेंड ये गर्म रहती है ना, तो इनके अंदर हीट रहती है तो इनका कलर जो है और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अगर आप डार्क कर लेंगे ना तो इनका कलर जो है काला हो जाएगा, फिर ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी आप इनको निकाल लें। तो बाकी बची हुई भी हम फ्राई कर लेंगे और इनको भी हम उसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है, आप सॉस के साथ भी इसे खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। आप देख सकते हैं ये भी हमारी स्नैक्स जो है फ्राई हो गए हैं, हल्का गोल्डन कलर आ गया है और इनको हम यहीं पे निकाल लेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा फ्राई हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह का कलर ही हमें चाहिए, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो सभी हम इसी तरह फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड मैंने सभी फ्राई कर लिए, आप देख सकते हैं इसका कलर जो है कितना डार्क हो गया, कितनी क्रिस्पी बनी है, मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।